फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सखी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको नींबू का स्क्वैश बनाना सिखाती हूँ, जो बहुत ही आसान है, जिसे आप बनाकर घर पे रख सकते हैं और कोई भी मेहमान आए तो तुरंत उसे हम सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेमन स्क्वैश बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत होगी। देखते हैं, ये मैंने 5-6 नींबुओं का रस निकाल के तैयार किया है और इसको मैंने इस चलनी से छान लिया था। और 2 कटोरी चीनी चाहिए होगी हमें, तो आइए चीनी लेते हैं। इसमें 1 कटोरी पानी डालते हैं। गैस को ऑन करते हैं। चीनी को लगातार चलाते हुए हमें चाशनी बनानी है। चाशनी हमें इतनी नहीं, 1 तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें उससे कम चाहिए। ये चीनी अच्छी तरह से गल जाए और जैसे शहद होता है ना, शहद की तरह से बस पकानी है, तार नहीं बनाना है इसका। ये मेरी चाशनी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये चाशनी हमें कैसी चाहिए। ये मेरी चाशनी बिल्कुल ठीक बन के तैयार हुई है। गैस को ऑफ कर देते हैं। और आइए इसको उतार कर नीचे रख। अब हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। नींबू का रस मिलाकर हमको गैस पर बिल्कुल नहीं पकानी है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। आइए इसको ठंडा होने के लिए हवा में रख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी शिकंजी बनकर, नींबू का स्क्वैश बनकर तैयार हो गया। आइए इसे बॉटल में भर लेते हैं। इसे भरने के लिए नीचे एक प्लेट लगा देते हैं। देखिए, ये मेरा लेमन का स्क्वैश बिल्कुल तैयार है। आइए मैं आपको इसकी शिकंजी बनाकर दिखाती हूँ। एक ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच शिकंजी मसाला डालती हूँ। ये मेरा होममेड है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी आपको आने वाली वीडियो में दे सकती हूँ। इसमें 2 चम्मच नींबू का स्क्वैश डालेंगे।
ये मेरी नींबू की शिकंजी बिल्कुल तैयार है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।